एशियन वुमेन रग्बी चैंपियनशिप 2018 वुमेन रग्बी टीम का प्रैक्टिस कैंप अस्करी 10 रग्बी स्टेडियम में लगाया गया। कौमी टीम की गैर मुल्की कोच सोजन का कहना था कि पाकिस्तान में वुमेन रग्बी को फरोग देने आई हूं। आई थिंक द रग्बी यूनियन इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब इन ट्राइंग टू गेट एज मेनी वुमेन इनटू रग्बी एज दे कैन एंड इवन एट अ हाई लेवल ऑन द बोर्ड दे आर ट्राइंग टू फाइंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द वुमेन्स कम्युनिटी दैट विल गो ऑन एंड बी अ वॉइस। हेड कोच शकील मलिक ने बताया, इंटरनेशनल कोच की आमद खुशाइंद है, जल्द बेहतरीन खिलाड़ियों इंतखाब करके कोचिंग की तरफ लाया जाएगा। गर्ल्स में आपको पता है कि अभी एक साल हुआ है प्रोग्राम का, ये सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है, तो अभी इनमें से ही हम कुछ गर्ल्स को प्लान कर रहे हैं कि कोचिंग में लेके आए और उनको कोर्सेज करवाएं वर्ल्ड रग्बी की तरफ से और वो क्वालिफाइड हो एज अ कोच और अगले साल से या नेक्स्ट ईयर से वो टेक ओवर करें एज अ लोकल कोच। कौमी वुमेन रग्बी टीम की कप्तान और नायब कप्तान का कहना था कि गैर मुल्की वुमेन कोच आने से खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी देखने को मिली। ये जो हमें पाकिस्तान कैंप नेशनल कैंप दिया गया, वो भी 2 माह का तकरीबन हमें नेशनल कैंप दिया गया, इसमें हमारे लिए जो बाहर से न्यूजीलैंड से कोच बुलाई गई हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल चीज़ें सिखाई हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो हमसे तवक्को आता है उस पर हम पूरा उतरेंगे। एशियन वुमेन रग्बी चैंपियनशिप का आगाज 20 अक्टूबर से ब्रुनाई में होगा, जबकि कौमी टीम 18 अक्टूबर को रवाना होगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।